सभी साथियों को नमस्कार। इस वक्त की बड़ी हैरान करने वाली ताजा खबर सामने आ रही है। बदमाशों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए हैं। इंटरनेट अगले आदेश तक बंद रहेगा। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया है। दुकानें अगले आदेश तक बंद रहेंगी। चलिए क्या पूरा मामला देंगे, इस खबर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार से। दरअसल ये बड़ी खबर उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी से आ रही है, जहाँ पर बनभूलपुरा क्षेत्र में नगर निगम की टीम भारी पुलिस फोर्स के साथ और कोर्ट के आदेश के साथ अवैध रूप से निर्मित मदरसा और एक मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए गई थी। हालांकि नगर निगम की टीम ने अपना काम कर दिया है। उन्होंने मदरसा और मस्जिद को बुलडोजर की सहायता से ध्वस्त कर दिया है, लेकिन इसके बाद वहां पर जो हिंसक स्थिति पैदा हुई उसको देखते ही पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बदमाशों ने पेट्रोल बम से प्रशासन टीम पर हमला किया है। पुलिस वाले घायल हो गए हैं और इस बड़ी हिंसा में अब तक 6 लोगों की जान भी जा चुकी है। आपको बताना चाहेंगे, उत्तराखंड के हल्द्वानी में गुरुवार शाम को जो भयंकर हिंसा हुई है, जिसमें अवैध तरीके से मदरसे और मस्जिद का निर्माण किया गया था, उसे कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम की टीम और पुलिस प्रशासन जब उसे ध्वस्त करने के लिए गया तो वहां पर मौजूद लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, पेट्रोल बमों से हमला कर दिया है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की है और इसके बाद सरकार ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए तुरंत एक्शन लिया है। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया है। स्कूल और दुकानों को अगले आदेश तक बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। वही राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के आदेश भी जारी किए हैं। उन्होंने एक एक बदमाश को पहचान कर बड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। एक अधिकारी के मुताबिक इस बड़ी हिंसक घटना में अब तक 100 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं, जिनमें मुख्यतः पुलिसकर्मी और नगर पालिका के कर्मचारी हैं। इन सभी को शहर के बनभूलपुरा इलाके के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन इस बड़ी घटना में मुख्यतः देखा गया है पुलिसकर्मी और नगर पालिका के कर्मचारियों पर लोगों ने छतों से पत्थर बरसाए हैं और पेट्रोल पंप से हमला किया है। लेकिन इस बड़ी हिंसा की घटना को देखते हुए पूरे शहर में प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है और बदमाशों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके बाद बदमाश सभी घर में दुबक गए हैं और इस समय पूरे शहर में कर्फ्यू लगा है, इंटरनेट बंद है और अगले आदेश तक स्कूल और दुकानें भी बंद कर दी गई हैं। हालांकि अब स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में है। स्वयं मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचकर घायलों से मिले हैं और इस वक्त पूरे शहर को कंट्रोल में कर लिया है और धीरे धीरे स्थिति को सामान्य किया जाएगा। लेकिन जिन बदमाशों ने इस घटना में जो शामिल हुए हैं उनको किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने कोर्ट के न्याय की अवहेलना की है और कोर्ट के न्याय की अवहेलना करने पर कितनी बड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी ये सोच भी नहीं सकते। अब हम आपको और आगे की जानकारी देना चाहेंगे। तब तक आप बने रहिए S24 न्यूज़ के साथ। हर ताज़ा खबर आप तक ज़रूर पहुँचेगी।